4 अक्टूबर को उत्तरी सिक्किम में लोहनक झील के ऊपर बादल फटने से लाचेन घाटी में तीसदा नदी में अचानक बाढ़ आ गई। तब से अब तक कम से कम 19 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 103 लोग लापता हैं। सिक्किम में रात करीब 1:30 बजे शुरू हुई बाढ़ चुंगथांग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण और बदतर हो गई। तीसदा बेसिन में स्थित डिकचू, सिंगताम और रंगपो समेत कई कस्बों में भी नदी में आए उफान से बाढ़ आ गई। सिक्किम में कई अलग अलग हिस्सों में 3,000 से अधिक पर्यटकों के फंसे होने की खबर है। पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बयान में कहा कि 19 शवों में से 4 की पहचान जवानों के रूप में की गई है। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक बुलेटिन में कहा कि अब तक 2011 लोगों को बचाया गया है, जबकि आपदा से 22,034 लोग प्रभावित हुए हैं। सिक्किम के मुख्य सचिव विजय भूषण पाठक ने समाचार एजेंसी को बताया कि लाचेन और लाचुंग में करीब 3,000 लोग फंसे हुए हैं, 700 से 800 ड्राइवर फंसे हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मोटरसाइकिलों पर गए 3150 लोग भी वहाँ फंसे हुए हैं। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि सेना और वायु सेना के हेलीकॉप्टर लोगों को निकालने का काम करेंगे। पाठक ने कहा कि सेना ने अपनी दूरसंचार सुविधा सक्रिय और कई पर्यटकों को उनके चिंतित परिवारों के सदस्य से बात कराई है। उन्होंने कहा भारतीय वायु सेना और सेना के हेलीकॉप्टर गुरुवार को लाचेन, लाचुंग, चुंगथांग के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार थे, लेकिन खराब मौसम के कारण ऐसा नहीं कर सके। सिक्किम में तीस्ता नदी बेसिन में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए एक राहत शिविर भी लगाया गया। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य शिक्षा विभाग ने एक परिपत्र जारी कर कहा कि खराब मौसम की व्यापकता के कारण राज्य के सभी सरकारी निजी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय 15 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। इससे पहले शिक्षा विभाग ने 8 अक्टूबर तक स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए थे, हालांकि बाद में संशोधन सर्कुलर जारी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, फसल क्रांति।